कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे मेटल बाजारों में, दिल्ली मेटल बाजार, मुंबई मेटल बाजार, साथ ही साथ एलएमई एमसीएक्स में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, आने वाले हफ्ते में किस तरीके से कामकाज होकर चल सकता है, सारी जानकारी विस्तार से आपको बताएंगे। तो चलिए बात करेंगे एलएमई एमसीएक्स में। इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर जो लोग पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी उनके मोबाइल पर सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले मोबाइल पर उनके दिखाई देगा। चलिए बात करते हैं एलएमई में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। कापर की एलएमई 8409 रुपए, 8735 रुपए, फिर एमसीएक्स के बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। एल्युमिनियम इसी तरीके 2186 रुपए, 201 रुपए एमसीएक्स पे कामकाज होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं कि जो बाजारों में हल्की सी बाजारों में एक नरमी देखी जा रही है। लेड का बाजार 2256 रुपए, इसमें 190 रुपए के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। जिंक का बाजार 2515 रुपए और इसमें 223 रुपए की बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज होता हुआ, 223 रुपए में कामकाज एमसीएक्स में देखा जा रहा है। गोल्ड का बाजार 1950.76 कॉमेक्स में रहा, 59,090 रुपए एमसीएक्स में कामकाज रहा। सिल्वर का बाजार 23,247 कॉमेक्स में, जबकि 72,373 रुपए सिल्वर वैसे चल रही है। क्रूड ऑयल का बाजार 90.80/75.7597 के आसपास क्रूड ऑयल में कामकाज हो रहा है। दिल्ली मेटल बाजार की अगर बात करेंगे तो कापर सुपर एचडी का बाजार 774 रुपए रहा, कापर आर्मेचर 734 रुपए, एल्युमिनियम बर्तन का बाजार 179 रुपए, एल्युमिनियम वायर स्क्रैप 198 रुपए, एल्युमिनियम पुर्जा का बाजार 156 रुपए, जिंक हिंदुस्तान 227 रुपए के आसपास, लेट का बाजार 186 रुपए, एलआईबीटी का बाजार 203 रुपए 50 पैसे के आसपास कामकाज हुआ, बैटरी स्क्रैप का बाजार 103 रुपए से 103 से 123 रुपए, निकल का बाजार 1710 रुपए, पीतल का बाजार 495 रुपए, टिंडागा का बाजार 2240 रुपए, एसएस स्क्रैप का बाजार 65 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए बात करेंगे मुंबई मेटल बाजार में क्या स्थिति है। मुंबई मेटल बाजार में कापर केबल स्क्रैप 720 रुपए, कापर आर्मेचर 696 रुपए, इसी तरीके ब्रास स्क्रैप 470 रुपए, एल्युमिनियम यूटेंसिल स्क्रैप 172 रुपए, जिंक इंगट 225 रुपए, टिन इंगट 2225 रुपए, निकल कैथोड 1725 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए बात कर लेते हैं इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, दिल्ली मेटल बाजारों में आपने देखा कापर एल्युमिनियम लेड जिंक में बाजारों में एक अच्छी बढ़त के साथ कामकाज हुआ, बाजारों में निचले स्तर से रिकवरी देखी गई। आगे आने वाले समय में बाजारों में अगर कहीं गिरावट मिलती है तो आप गिरावट पर खरीदारी करिए, जिसके अंतर्गत कापर आर्मेचर एल्युमिनियम बर्तन एल्युमिनियम वायर स्क्रैप पुर्जे में भी आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेड का बाजार ऑलरेडी तेज है, आगे आने वाले समय में और भी तेजी देख के चल सकते हैं। अगर बात करेंगे आज के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की, तो कापर का सपोर्ट का लेवल 730 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 738 रुपए, लेड का सपोर्ट का लेवल 185 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 187 रुपए, जिंक का सपोर्ट का लेवल 225 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 231 रुपए। ओवरऑल आउटलुक में ट्रेंड पॉजिटिव है, बाजारों में गिरावट पर खरीदारी करिए। अगर खबर में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए एबी लाइव का ऐप, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप उसको भी सब्सक्राइब करके चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24।